चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की जो 14 जुलाई को एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी आईएमपी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा आपके लिए वेरी आईएमपी 2000 एमसीक्यूज हैं, अगर आपको लेना है तो अभी परचेस कर सकते हैं। 99 रुपये में 20 सेट मिलेंगे, एक सेट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं तो फिर कहोगे कि ले लेते तो अच्छा होता। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। तत्वों का सबसे पहले त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तत्वों का सबसे पहले त्रिक नियम वर्गीकरण जो है डेबो रेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेबो रेनर के द्वारा किया गया था। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्ट नियम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? अष्ट नियम की संकल्पना जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? वो की थी हमारे न्यूलेट्स ने। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्ट नियम की संकल्पना जो है ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। यदि सभी तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले स्थान के तत्व से गुणधर्म में समान होगा। यह नियम जो है यह किसका है? यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन सा हो जाएगा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर किस में वर्गीकृत किया गया? वेरी गुड, मेंडलीव के आवर्त नियम में। किसके? मेंडलीव के आवर्त नियम में। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ति फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तत्वों का गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? एक बार डेमो जरूर देखें 2000 क्वेश्चन का, ठीक है? मुझे व्हाट्सअप करके। बिल्कुल डी वाला, मेंडलीफ ने। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम जो है ये है आपका मेंडलीफ का है। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, बिल्कुल सही जवाब, 63 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले भाई साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्त की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्त की कुल संख्या कितनी है? अठारह और 7। आवर्त सारणी वर्गों की संख्या है 18 और आवर्त की है 7। आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? आवर्त सारणी का जो लंबा रूप है वो किस पर निर्भर करेगा? परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी का लंबा रूप जो है परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के कुल 18 वर्ग में रखा गया। कितने वर्गों में रखा गया? 18 वर्ग में रखा गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या यह सभी ब्लॉक, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तीन में से एक सही है या सभी सही बताइए। तो एस ब्लॉक में होती हैं एक या दो वर्ग, पी ब्लॉक होता है 13 से 18 वर्ग में, डी ब्लॉक होता है 3 से 12 वर्ग में। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। कितने? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। सुमेलित करना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 17 या वर्ग 18।
वेरी वेरी गुड, 13 का ए वाला आ जाएगा। वर्ग एक में आता है क्षारीय धातु, वर्ग दो, दो वर्ग में कौन सा आता है, वो आता है आपका क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 17 में आता है हेलोजन वर्ग, और वर्ग 18 में आता है उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, 2, 3, 4, 1। आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर निम्न गुणों में से होने वाले परिवर्तन को गलत युग्म, परमाणु त्रिज्या, आयन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मक धन, ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे का जो परिवर्तन है उसमें कौन सा एक गलत है। तो परमाणु त्रिज्या जो होती हैं वो बढ़ती हैं, आयतन बढ़ जाता है, विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, लेकिन धन विद्युत लक्षण वृद्धि होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे पहले बढ़ेगी फिर घटेगी और फिर वृद्धि नहीं होगी, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आप क्या कहते हो। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है उसे आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं आयन विभव। क्या कहेंगे, आयन विभव कहेंगे। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं, एक्टिनाइड, किसमें अधिकतम कृत्रिम तत्व जो है एक्टिनाइड। जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी, बताइए। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहलाएगी, जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जो मुक्त ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए, सुमेलित करना है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे भारी, सबसे हल्का तत्व, या भूप पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। वेरी गुड, 18 का बिल्कुल आपका आ चुका है 4321। 4321, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व हो जाएगा ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम, सब भूपर पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, फ्लोरीन, कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। हेलोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम, हेलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम, वेरी गुड, ए वाला। न्यूनतम आयन विभव के फलस्वरूप क्षार धातुएं निम्न गुण दर्शाती हैं, न्यूनतम आयनम आयनन विभव के फलस्वरूप क्षार धातुएं निम्न में से कौन सा गुण दर्शाएगी, न्यूनतम आयन विभव, सर्वाधिक आघात वर्धनी तत्व, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व, न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व, या सबसे प्रबल ऑक्सीकरण। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेरी गुड, डी वाला, 2, 4, 1, 3। सबसे आघात वर्धनी तत्व जो हो जाएगा सोना, सबसे आयन विभव वाला तत्व हो जाएगा हीलियम, न्यूनतम आयन विभव जो हो जाएगा आपका सीजियम, और सबसे प्रबल ऑक्सीकरण हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, वेरी गुड, सोडियम आ जाएगा, सोडियम। कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी, कौन सी अधातु है जो आपकी द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी, बताइए कौन सी है वो। 24, ब्रोमीन, ब्रोमीन जो द्रव्य अवस्था में पाई जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु, पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु, एस्टेटिन, एस्टेटिन विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु, वेरी गुड, चांदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए ये सारे 20 सेट अवेलेबल है, ठीक है। दिख रहे हैं आपको ये 20, 1, 2, 3, ये 20 सेट अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। इसके साथ अरिहंत के क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक आपको PDF बता देता हूँ किस तरह से रहेगी, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे आंसर, दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे आंसर। इसी तरह से आपका पेपर बना रखा है जिसमें आपका केमिस्ट्री भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी है, बायोलॉजी भी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड है। एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका केमिस्ट्री है, 20 क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री के ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपका फिजिक्स चल जाएगा। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होने के बाद यहाँ से आपकी इंग्लिश चल जाएगी 41 से आपका इंग्लिश ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड 61 नंबर से लगाकर ये 100 नंबर तक आपका पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 20 सेट बना रखे हैं तो 99 रुपये में आपको सारे सेट आपको व्हाट्सअप पर PDF फाइल में मिल जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। और डेमो देखना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी एक बार डेमो दिखा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।